चटपटी नमकीन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं आपको एक चटपटी नमकीन बताने वाली हूँ, तो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार बनती है और चाय के साथ बहुत यमी लगती है। तो सबसे पहले हमें इसमें पोहा डालना है और जितना आपको चाहिए, आप देखिए तेल में इस तरह से हमें बस फ्राई करना है, ये देखिए। और तेल इसके लिए बहुत अच्छे से आप गर्म कर दीजिए, और गर्म एकदम जब हाई हो जाएगा तब आप मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करिए। ये पोहा देखिए हमारा फ्राई हो, तेल अच्छे से इसका निकाल देंगे। और फिर एक बड़े से बर्तन में हमें इसे डालना है, क्योंकि हमें और भी सामान डालना है जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बार फिर थोड़ा और डाल दिया मैंने पोहा इसमें। पोहा की बहुत वैरायटी आती है दोस्तों, छोटी बड़ी, आप कोई भी साइज़ जो आपके घर पे, मेरे घर पे जो अवेलेबल होता है मैं वो ले लेती हूँ। ख़ास नमकीन के लिए बड़े बड़े साइज़ के पोहे भी मिलते हैं। इसे एक दो बार बस आप डाल दीजिए, ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं करना हमें, बस इसे डालकर इस तरह से निकाल देंगे स्ट्रेनर को। और अब ये देखिए थोड़ा सा मूंगफली मैंने ले लिया, पीनट, पीनट को भी हमें इस तरह से फ्राई करना है। जब आपको लगेगा तेल थोड़ा ठंडा हो रहा है पता चल जाएगा आपको, बट वैसे हमें मीडियम आंच पे ही सब कुछ फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो फिर वो पूरा मतलब नमकीन का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। बस इसे डालिए और 2 मिनट फिर निकालिए और फिर डालिए, इस तरह से हमें करते रहना है। ये देखिए मूंगफली को, पीनट को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, थोड़ा और करते हैं। देखिए ये भी हो गया हमारा पीनट भी, बस तेल इसका थोड़ा अच्छे से हम छान कर ये भी उसमें डाल देंगे हम। ये भी इसमें डाल दिया। अब देखिए ये मैंने कुछ काजू ले लिया है तो इसमें डाल देंगे। इसे भी इस तरह से बस एक दो बार आप कर दीजिए, बस हो गया, क्योंकि ज़्यादा लाल करने से ना उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है। बस ये देखिए हल्का हल्का गुलाबी कलर हो गया, बस अब ये भी उसमें हम डाल देंगे। और अब हमने थोड़ा सा बादाम भी डालना है, क्योंकि ये काफ़ी है अच्छा रखता है, मतलब रिच बनता है थोड़ा, ये जो होता है ना चिवड़ा जो भी है मिक्सचर हम बना रहे हैं, अच्छा बनता है ये। तो जितना आप अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो आपको टेस्ट भी आएगा, थोड़ा हेल्थ भी होगा, है ना। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा हम फ्राई कर देते हैं। फ्राई करने के बाद अच्छे से हमें एक्सेस ऑयल को ऐसे इस तरह से निकालना है, थोड़ा और करते हैं। अब देखिए ये भी हल्का हल्का हो गया, बस अभी इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा बादाम भी डाल दिया हमने, मैंने सब कुछ अंदाजे से डाला अपने क्वांटिटी के हिसाब से। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से खाओ, आपको किस तरह से चाहिए, कितना ड्राई फ्रूट चाहिए, कितना पीनट चाहिए, बट ये कि अच्छा हेल्दी बनता है, मतलब घर का भी बनेगा, हाइजीनिक होगा और टेस्ट भी और हेल्थ भी दोनों होगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया, मेरे गार्डन में सारे कड़ी पत्ते ख़त्म हो गए, तो मेरे पास इसमें थोड़े से लगे हुए थे जो कि अभी देखिए एकदम छोटे छोटे हैं, तो मैंने वो ले लिया, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इतना भी डाल लिया ना तो अच्छी खुशबू आ जाएगी। ओह कड़ी पत्ता जस्ट आप डाल के एकदम एक बार डालो और निकालो, हो गया। कड़ी पत्ते से खुशबू बहुत अच्छी आती है इस नमकीन में, तो अगर आपके पास है थोड़े, मेरे पास अब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी तो मैंने इतना ही डाला, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप ज़रूर डालिएगा। तो ड्राई फ्रूट और ये जो पोहा था उसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, अब इसमें कुछ चीज़ें और डालनी हैं। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा डालना है हमें, जस्ट हल्का सा हमें येलोइश कलर चाहिए, ये देखिए इतना सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। और लाल मिर्च भी ज़रा सा, क्योंकि इसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर भी पड़ेगा ज़रा सा। ये देखिए थोड़ा सा शक्कर है, क्योंकि कैसे ये थोड़ा अच्छा लगता है, चटपटा लगता है शक्कर डाल देने से, हल्का सा शक्कर डाल दीजिए आप, एक चम्मच से भी कम शक्कर डालना है इसमें। ये देखिए एक छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया, काली मिर्च से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है, और काली मिर्च हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये डाल दिया मैंने, अब इसमें हम थोड़ा सा सौंफ डालेंगे,
अब ये देखिए सौंफ, सौंफ क्या होता है ना, हमें हजम करने में काफ़ी मतलब मदद करता है, ताकि कभी कैसे कोई चीज़ टेस्टी बनती है तो हम उसे गपा गप खाते जाते हैं, तो इसमें हमने डाल दिया सौंफ भी। अब बारी आती है नमक की। अब नमक मैंने इतना सा लिया है, देखिए जरा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक भी डालूंगी, तो सादा नमक एकदम थोड़ा सा डालिए। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो सिर्फ काला नमक भी डाल सकते हो। और इसमें है काला नमक, एकदम ज़रा सा काला नमक भी डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा। ये मेरे पास ऑलरेडी डला हुआ रहता है, ताकि फ्रूट्स वगैरह में भी मैं डालती हूँ, इसलिए ऐसा है। अब सबको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखिए मेरे पास ये पतले वाली बारीक सेव है, वो भी थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नहीं भी डाल सकते हो, नहीं भी डालने से भी इसका जो मतलब टेस्ट है ना, सिर्फ आप पोहे का बनाइए तो भी अच्छा लगेगा। बट कैसे मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास कोई ऐसी नमकीन पड़ी है जो थोड़ी सी गिम गई है, आप उसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा चला लीजिए और वो भी इसमें डाल दीजिए, मतलब वो आपका नमकीन भी यूज़ हो जाएगा इसके साथ। बट ये तो मेरी कैसे फ्रेश है मेरा, और मुझे अच्छा लगता है इसमें बारीक सेव, जो सेव पूरी में डालते हैं तो दुकानों में बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है। ये डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चाहो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, वैसे मुझे नीड नहीं लगती, काला नमक मैंने डाल दिया बस, कि नीड नहीं लगती मुझे। आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रेसिपी, हेल्दी पोहा मिक्सचर, पोहा चिवड़ा कह सकते हो आप, पोहा मिक्सचर कह सकते हो, जो कि आप मतलब आपने भी देखा कि मैंने काफ़ी हेल्दी चीज़ें इसमें डाली है, तो इतना ऑयली भी नहीं है। आपने भी देखा मैंने काफ़ी ऑयल उसका स्ट्रेन कर दिया, तो मतलब बेझिझक आप खा सकते हो। टी टाइम स्नैक्स भी के जैसे भी लगेगा, हल्का फुल्का भी रहता है ये, और बाहर बाज़ार से तो काफ़ी अच्छा बनता है ये, बहुत यम्मी लगता है दोस्तों। हाँ करी पत्ता इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मेरे पास आज है नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला, बट करी पत्ता का जो टेस्ट है ना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ दोस्तों उसे स्किप मत करना, करी पत्ता ज़रूर डालना इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, या अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ, ओनली ऑन दिशाज हब में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, अपना और अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के खिलाते रहिए। तो चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।